Good evening, students. Welcome to online platform of our Golden Gate International School. और ये एक नई शुरुआत आपके नए सेशन में. इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज हमने क्लास में क्या किया था और होमवर्क क्या था. और आई विल ट्राई टू गिव यू सम हिंट्स वो जो भी होमवर्क दिया था ताकि आपको होमवर्क करने में प्रॉब्लम ना आए. तो एक बार हम फटाफट से देखते हैं क्या था आज का टॉपिक. जो हमने डिस्कस किया था वो था रिलेशन एंड फंक्शन. आप सबको याद हो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था. और जिस बच्चे के पास बुक नहीं है अगर वो इंट्रोडक्शन को दोबारा रेफ़र करना चाहता है तो वो वीडियो को यहाँ पॉज करके ये इंट्रोडक्शन पढ़ सकता है. मैं पूरा का पूरा सारी की जो भी चीज़ें बुक में हैं वो सारी की सारी एक बार वीडियो में उनसे गो थ्रू करूँगा आप लोगों को. हमने टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ा था जिसमें एम्प्टी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन ये मैंने आपको बताई थी. और इन दोनों रिलेशन के लिए एक नया नाम ट्रिवियल रिलेशन ये भी मैंने आपको बताया था. और मैंने आपसे कहा था कि तीन तरह के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव. आई बिलीव आपको याद होगा. जिसको याद नहीं है एक बार अपने रजिस्टर को दोबारा से पेज पलट कर देख लेना कि क्या मैंने इनकी परिभाषाएँ लिखवाई थी बेटा. अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे. चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. और ये है हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज. तो देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन. उसने कहा है डिटरमाइन whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. हमें ये पहचानना है कि इनमें से कौन सी relation reflexive, symmetric या transitive है. तो देखते हैं पहली relation को. उसने कहा relation R is in the set. तो relation R जो है set A पे है और आपको set A screen पे दिखाई दे रहा होगा. 1 से लेकर के 14 तक सभी natural number set A में हैं. और इसकी जो डेफिनेशन है परिभाषा जो बनाई गई है वो कुछ इस तरह से बनाई गई है कि दो ऐसे एलिमेंट इस रिलेशन में आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. देखो बच्चों ये 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो ये रिलेशन दी हुई है. तो देखते हैं हम इनमें कौन से ऐसे नंबर हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं. चलिए तो इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ. आप एक्स की वैल्यू 1 रखिए इसके अंदर. अगर आप एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए वाई क्या आता है. मैं इसको कोशिश करता हूँ आपको पेंट में दिखाने की लिख करके. अगर हम एक्स को 1 लिखते हैं लेट्स डू इट नाउ. हमें रिलेशन जो दिया हुआ है वो है हमें रिलेशन दिया गया है रिलेशन हमें दिया गया है 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो. अगर मैं x को बच्चों 1 लेता हूँ हम इसमें x को 1 लेते हैं 3 इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट 1 माइनस y इक्वल टू 0. तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 विल बी 3 ओनली माइनस y इक्वल टू 0. और यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3. और इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 3. इसका मतलब ये जो रिलेशन हमें दिया गया है इसके अकॉर्डिंग 1 और 3 आपस में रिलेटेड हैं. तो इसका मतलब रिलेशन में हमारे पास एलिमेंट होना चाहिए 1, 3. ये हमारे पास रिलेशन में होना चाहिए. इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे कि 2 के साथ कौन सा एलिमेंट होना चाहिए. तो 2 के साथ ट्राई करते हैं. तो 2 के साथ कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे x की जगह बच्चों 2 पुट करेंगे. 2 माइनस y इज इक्वल टू 0. और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ऐसे ही मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू 6. तो इसका मतलब मेरे पास रिलेशन में एक एलिमेंट होगा 2, 6.
तो देखिए ये जो मैंने आपको दो एलिमेंट अभी ढूंढ के दिखाए हैं 1, 3 एंड 2, 6, ये दोनों की दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप चाहें तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। अगर मैंने 3, 2, 6 को वेरीफाई करते हैं तो x की जगह हम 2 रखेंगे। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यूज़ हम ले रहे हैं वो वैल्यूज़ उस इक्वेशन में पुट करें और देखें क्या हमें एक सही रिजल्ट मिलता है। और y की जगह मैंने 6 पुट किया इज इक्वल टू 0। तो देखो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों तो ये हमें मिलता है 6 - 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें मिला 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो नंबर मैंने आपको बताया था, ये जो नंबर था 2, 6, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली हम पता करेंगे कि इसमें कौन कौन से नंबर हैं जो इस तरह से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और जो नंबर आपके सामने आएंगे वो मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखाता हूँ, वो आपके पास ये नंबर आएंगे, देख लेते हैं। हाँ देखिए इधर 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12 आप देख सकते हैं ये। तो ऐसे ये रिलेशन आपको खुद बनाना है। वंस वी मेक दिस, जब हम ये रिलेशन बना लेते हैं उसके बाद हम चेक करेंगे कौन सी क्या चेक करेंगे, हम तीन बातें चेक करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव के लिए ज़रूरी है कि हर मेंबर खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसमें 1, 1 है, नो इसमें 1, 1 तो नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें तो 1, 3 है, 2, 6 है, 1, 1 तो नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए ज़रूरी है कि 1, 1 भी हो, 2, 2 भी हो, 3, 3 भी हो, हर नंबर हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड, सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है। देखिए इसमें 1, 3 है और सिमेट्रिक के लिए अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और थर्ड अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, तो बच्चों ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस तरह से हमें बाकी जितने भी पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में टोटल कितने पार्ट हैं, इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट हैं, तो पांचों के पांचों पार्ट्स के लिए हमें ये चेक करना है। तो आई होप आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है एक पार्ट उससे आपको मदद मिलेगी और आप बाकी पार्ट कर पाएंगे। जिस बच्चे के पास बुक नहीं है वो मेरा वीडियो यहाँ पॉज करके इन सभी क्वेश्चंस को देख सकता है। ऐसे ही फिर हम सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे, ये बाकी के 4 क्वेश्चन हैं। जिसके पास बुक नहीं है वो पॉज करके यहाँ से क्वेश्चन नोट करके वो क्वेश्चन को ट्राई करे, और नहीं होगा तो कल मिलते हैं और मैं कल आपको हेल्प करूँगा, क्लास में समझाऊँगा। तो आई होप कि आप सब घर पर ट्राई करके आएँ। सो इसी के साथ गुड लक बच्चों एंड कीप स्टडिंग। इस नए सेशन को नई एनर्जी के साथ स्टार्ट कीजिए और इस बार वो गलतियाँ नहीं करनी है आपको जो आप लोगों ने 11th में करी। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप एक अच्छा रिजल्ट देंगे अपने स्कूल को। आप अपने टीचर्स जिस तरह से डेडिकेटेड हैं, जिस तरह से अपने टीचर्स एफर्ट्स कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर्स बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, उतना ही एफर्ट्स आप लोगों की तरफ से भी रिक्वायर्ड है, तभी हम एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक तरफ से अगर एफर्ट्स होंगे तो उससे रिजल्ट क्रिएट नहीं होता। सो यू पीपल आर लक्की कि आपके पास इतने अच्छे टीचर्स हैं स्कूल में। सो गुड बाय, सी यू टुमारो।